नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी की, यानी कि समाजशास्त्र की। ठीक है, तो समाजशास्त्र के जो आपका फर्स्ट बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड के हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका है, ठीक है, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है। आपके ऑप्शंस हैं पर्सन्स ने, मार्टन ने, फिक्टर ने या मैकाइवर एवं पेज ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज ने ही समाज को क्या बोला है, सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। ओके, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा आपका है, वर्ग व्यवस्था है एक, यानी कि वर्ग व्यवस्था कैसी व्यवस्था है ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है बंद व्यवस्था है, खुली व्यवस्था है, न ही खुली न ही बंद है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों वर्ग व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, तो वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका है, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है दोस्तों, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, पी जिंसबर्ट, जॉनसन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है, तो मैकाइवर एवं पेज है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका दोस्तों, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रश्न, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। आपके ऑप्शन है गाँव से, शहर से, नगर से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मानव समाज और संस्कृति का जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होगा, गांव से होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा आपका है, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। आपके ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता, यजमानी व्यवस्था, या इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि इसमें इनमें से सभी आपका इसका आंसर होगा, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर इनमें से सभी नहीं होगा। क्यों, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम, और सर्वप्रथम में क्या होगा, कोई एक होगा, सारे के सारे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे विशेषता है भारतीय समाज की, लेकिन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम विशेषता कौन है, तो सर्वप्रथम विशेषता दोस्तों आपको अनेकता में एकता होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, अनेकता में एकता, सर्वप्रथम विशेषता अनेकता में एकता है। ओके, अगर सीधे विशेषता पूछता कि भारतीय समुदाय की कौन सी विशेषता है तो सारे इसके आंसर होते, लेकिन पूछ रहा है सर्वप्रथम विशेषता कौन है, तो सर्वप्रथम विशेषता इसका अनेकता में एकता होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा है आपका, समाजशास्त्र का जनक कौन है। ठीक है, यानी कि समाजशास्त्र का जनक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं दुर्खिम, कॉम्ट, सोरोकिन या कूले। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा, मुझे पता है। ठीक है, समाजशास्त्र का जनक कौन है, ऑगस्ट कॉम्टे है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न आपका है, उपनिवेशवाद का संबंध है, यानी कि उपनिवेशवाद का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं पूंजीवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से या साम्राज्यवाद से। तो दोस्तों उपनिवेशवाद का संबंध आपका साम्राज्यवाद से है, साम्राज्य विस्तार से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, उदार राष्ट्रीयता का काल है, यानी कि कौन सा समय या कौन सा काल उदार राष्ट्रीयता का काल कहलाता है। आपके ऑप्शन है 1885 से 1905 का समय, सेकेंड है 1905 से 1918 का समय,
थर्ड है 1919 से 1947 का समय, और फोर्थ है आपका 1947 से 1958 का समय। तो दोस्तों उदार राष्ट्रीयता का काल कौन सा है इसमें, तो आपका 1885 से 1905 का जो समय हुआ उदार राष्ट्रीयता का काल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ध्यान सुनिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। आपके ऑप्शंस हैं राजनारायण बासु, राम सिंह कुका, वासुदेव जोशी या महात्मा गांधी। तो दोस्तों बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले राजनारायण बासु थे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है किसने कहा समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। आपके ऑप्शंस है मैकाइवर, मजुमदार, कूले या रिजले। तो दोस्तों यह कथन मैकाइवर का है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकाइवर ने कहा है क्या कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। आपके ऑप्शंस है साम्राज्यवाद का, समाजवाद का, मानवतावाद का या अंतर्राष्ट्रीयता का। तो जाहिर सी बात है दोस्तों उपनिवेशवाद है, इसे पीछे हम लोगों ने किया है, क्या है यह साम्राज्यवाद के सोच का यह परिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटिक्स सब में काम आएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं दिसंबर 1857, सेकेंड है दिसंबर 1885, थर्ड है दिसंबर 1937 और फोर्थ है दिसंबर 1917। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। आपके ऑप्शंस है अनेकता में एकता, संस्कार द्वारा समाजीकरण, पुरुषार्थ या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी विशेषता भारतीय समाज में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं चौदहवें प्रश्न की ओर। चौदहवा आपका है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सेकेंड है सामान्य जाति पृष्ठभूमि, थर्ड है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या होता है, क्षेत्रीयता की भावना होता है, क्षेत्र विशेष के प्रति जो भावना होती है वही आपका क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कि हम भारत के रहने वाले हैं तो भारत राष्ट्र के हैं, तो भारत क्या हो गया, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से क्षेत्र विशेष की बात करता है, तो भौगोलिक क्षेत्र विशेष किस में आ गया, भौगोलिक पृष्ठभूमि में आता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं पंद्रहवें प्रश्न की ओर। पंद्रहवा आपका है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। आपके ऑप्शंस है एम एन श्रीनिवास, सेकेंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है ए ओ ह्यूम, फोर्थ है एम के गांधी। तो दोस्तों ये भी आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं सोलहवें प्रश्न की ओर। सोलहवा है समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है। ठीक है, क्या प्रश्न, समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं, समुदाय की यह परिभाषा किसने दिया है। ठीक है, ऊपर क्या दिया गया है,
समुदाय का परिभाषा दिया गया है। क्या परिभाषा है? समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शंस हैं मैकाइवर एवं पेज ने, सेकेंड है किंग्सले डेविस ने, थर्ड है हर्बर्ट स्पेंसर ने, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा आपका किंग्सले डेविस की है। ठीक है, किंग्सले डेविस ने ही समुदाय को परिभाषित किया है। किस रूप में? समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। ओके, बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां आपका है आधुनिक समाजों में, ठीक है दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। आधुनिक समाजों में, ये समाज है ठीक है, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्व प्रमुख आधार है। ठीक है, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का आधार क्या है ये पूछ रहा है आपसे। आपके ऑप्शन हैं जाति, धर्म, अर्थ या इनमें से सभी। तो दोस्तों आधुनिक समाज की बात किया है तो आधुनिक समाज में वर्ग संरचना का आधार क्या है? वो आपका अर्थ है। ठीक है, सर्व प्रमुख बोला दोस्तों, याद रखिएगा सबसे प्रमुख बोला है। ठीक है, तो आजकल आधुनिक समाज में क्या है, अमीरी गरीबी वाली बात आती है। ठीक है, कि हम अमीर है। ठीक है, आप सुनी होगा कि समाज को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, उच्च आय वर्ग वाला, निम्न आय वर्ग वाला, मध्यम आय वर्ग वाला। ठीक है, तो आय वर्ग क्या हो गया यहाँ पे, आर्थिक दृष्टि से दिखा रहा है। ठीक है, तो हम समाज को आर्थिक दृष्टि से बांटते हैं आजकल आधुनिक समाज में, इसलिए इसका जो आंसर होगा अर्थ होगा, यानी कि आर्थिक होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है सन 1905 में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है, ये भी आपके हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में आएंगे। ठीक है, सन 1905 में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड कैनिंग, सेकेंड है लॉर्ड कर्जन, थर्ड है लॉर्ड मकाले या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बंग भंग जो किया था, यानी बंगाल विभाजन जो हुआ था, घोषणा किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कौसे कर्जन, कौसे किया, क्या किया? बंगाल विभाजन किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 19वां है इनमें निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है? आपके ऑप्शन है धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था, इनमें से सभी। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति परंपरा की जो आधार इसमें सारे के सारे है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां आपका है निम्न में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक है। ठीक है, निम्न में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक है, यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया। आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। अब जो आएगा वो आपका सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर में जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है आपका जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। आपका ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत, ग्रीक या फ्रेंच। तो दोस्तों जनसांख्यिकी शब्द यानी कि डेमोग्राफी जो शब्द है वो लिया गया है ग्रीक भाषा से, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेमोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, एक आपका डेमो से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है लोग, और दूसरा है आपका ग्रीफिन, ठीक है, या ग्राफिन जिसका अर्थ होता है लिखना। यानी कि अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो डेमोग्राफी का क्या अर्थ होता है, लोगों के बारे में लिखना या जानना। ठीक है, यह डेमोग्राफी का अर्थ होता है और यह ग्रीक भाषा से बना है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है जनांकिकी यानी कि जनसांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जनांकिकी या जनसांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं माल्थस, गुइलार्ड, जॉन ग्रांट, एडम स्मिथ। तो दोस्तों जनांकिकी का जनक कहा जाता है जॉन ग्रांट को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है इनमें से
जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? आपके ऑप्शंस है खाद्य समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या या ठंडे मौसम में सर्दी लगना। तो दोस्तों जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो खाद्य समस्या उत्पन्न होगा, बिल्कुल सही बात है। आवास की समस्या उत्पन्न होगा, बिल्कुल सही बात है। रोजगार की समस्या होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ठंडे मौसम में सर्दी लगना जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, ये जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? ठीक है दोस्तों, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? आपके ऑप्शंस हैं 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 4000 वर्ष या 5000 वर्ष। तो दोस्तों भारतीय समाज का इतिहास है वो कितने वर्षों की अवधि का है? तो यह 3000 वर्ष का अवधि का है और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन सा इसमें से उत्तरदायी है, जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन हैं सामाजिक मूल्य, जीवन पद्धति, शैक्षणिक स्तर या आर्थिक विकास। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि जो होती है या जो उत्तरदायी होता है वह शैक्षणिक स्तर के कारण होता है, यानी कि शिक्षा का अभाव होता है। ठीक है, लोगों में जागरूकता कम होती है, इस वजह से जनसंख्या ज़्यादा लोग यानी बोल सकते जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा शैक्षणिक स्तर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पर्यावरण, प्रजनन शक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक कारक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जनाधिक्य यानी कि जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति हज़ार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति हज़ार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 967, 933, 947 या 955। तो दोस्तों प्रति हज़ार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या बोलते हैं? हम लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात कितना था 2001 में? 933 था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है जनांकिकी विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, जनांकिकी विज्ञान है, यानी कि जनांकिकी विज्ञान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पर्यावरण अध्ययन, जनसंख्या अध्ययन, वन अध्ययन या जल अध्ययन। तो दोस्तों जनांकिकी विज्ञान है वो आपका जनसंख्या का अध्ययन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट दिया गया है, किसका स्टेटमेंट है? मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस है सोरोकिन, रिचर्ड डेवी, बर्गेल या माल्थस। तो दोस्तों यह कथन किसका है? तो यह कथन माल्थस का है। माल्थस का कहना है कि मनुष्य अपनी गरीबी के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? ध्यान सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे नई लगा हुआ है। ठीक है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? आपके ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या 2002 में। तो दोस्तों नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी 2000 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन है माल्थस, सोरोकिन, बार्कले या गुइलार्ड। तो दोस्तों
जनकीकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था गुइलार्ड ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही अगर क्या पूछे थे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जनकीकी का जनक यानी कि जानसुखी का जनक किसे कहते हैं, तो आपका जॉन ग्रांट था। यहाँ पे जनकीकी शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो लुई गार्ड ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। ठीक है दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, आपके ऑप्शन है 1948 में, 1952 में, 1956 में या 1960 में। तो दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, इससे पहले क्या था, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति था, लेकिन यहाँ पे है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पहली बार कब घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1974 में, 1976 में, 1978 में या 1982 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो पहली बार घोषित की गई थी वो 1976 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वही अगर पूछता नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तो क्या था, 2000 में घोषित किया गया था। ठीक है, नई रहे तो 2000 और पहला रहे तो 1976। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य में निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य को जनकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा दोस्तों, निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य को जनकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है जनकीय परिप्रेक्ष्य, सेकेंड है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, थर्ड है आर्थिक परिप्रेक्ष्य और फोर्थ है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जनकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। ओके, ये सब क्या होता है जब मैं थ्योरी क्लास लूँगा तो बताऊँगा उस समय, इसके बाद ठीक है जो वीडियो आएगा आपको सब्जेक्टिव वीडियो ही आएगा सेकेंड चैप्टर का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपलोड हो चुका है, सब्जेक्टिव का वीडियो आप चाहे देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग साइकिल से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र सेल्फ एडजस्टिंग साइकिल से है। आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, चाइल्ड्स, माल्थस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडम स्मिथ। ठीक है, यह जो है संबंध है यानी कि यह जो सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर लिए होइएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।